हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अलविन और आप देख रहे हैं अलविन कुलू ऑफिशियल। तो जी हाँ दोस्तों, हाँ थोड़ा इंतजार करने के लिए माफी चाहता हूँ। जो लोग भी मेरे फेसबुक में फ्रेंड्स हैं या फिर इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि ये वीडियो आने में लेट क्यों हुआ, क्योंकि मेरा एग्जाम था, मैं गया हुआ था संबलपुर। जी हाँ दोस्तों, फाइनली मैंने तय कर लिया है, ये जो यूट्यूब चैनल है इसको मैं अपना प्रोफेशन बनाऊंगा, इसके ऊपर काम करूंगा अच्छे से। जिन लोगों ने भी मुझे पहले देखा होगा या फिर मेरे चैनल को जिन लोगों ने पहले से विजिट कर लिया है, जो लोग भी मेरे वीडियो को रेगुलर चेक करते हैं, उनको पता ही होगा कि काफी मिक्स तरीके का कंटेंट आता था। कभी मूवीज के बारे में, कभी ब्लॉग, कभी डांस, कभी कुछ और, ऐसे सब मिक्स मिक्स था। तो अभी मैंने फाइनली तय कर लिया है कि मैं इस चैनल को एक ब्लॉग चैनल की तरह आगे बढ़ाऊंगा, और बीच चीज में हाँ कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे मूवी मुझे अच्छा लगा तो कोई मूवी का रिव्यू, तो ऐसा पार्टिकुलर रिव्यू वीडियो तो नहीं बोलेंगे, बस मूवी के बारे में छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि हाँ मुझे अच्छा लगा, आपको भी देखना चाहिए, इस टाइप का एक कंटेंट बना देंगे। और हाँ दोस्तों, फाइनली मैंने अपने यूट्यूब को एक प्रोफेशन की तरह लेने के लिए एक कदम आगे बढ़ा लिया है। सीख रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़े। तो मैंने जो एक स्टेप है वो ले लिया है। एक स्टेप क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि वो जो एक स्टेप है वो क्या है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक स्टेप क्या है, ठीक है। फाइनली मैंने एक चीज खरीद लिया है, तो मेरा हाथ तो जा चुका है उस तरफ, इंतजार मत करिए, ये आ गया, देखिए। तो फाइनली आपके दोस्त ने खरीद लिया है डिजिटेक का एलईडी रिंग लाइट। जी हाँ दोस्तों, फाइनली मैंने रिंग लाइट ले लिया है। मैंने क्यों लिया है, इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि जो मेरा वीडियो है उस वीडियो में थोड़ा लाइट का कमी होता है, और मैक्सिमम क्या है, मेरा फेस कैम ही वीडियो है, तो मेरा जो चेहरा है, ये जो मेरा घर का लाइट है, उसकी वजह से थोड़ा मेरा फेस उतना अच्छा से नहीं पता चल पाता है, और थोड़ा वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो फाइनली मैंने ले लिया ये रिंग लाइट। जी हाँ, इसमें दिखता होगा ये टिकटॉक टाइप का, लेकिन ये टिकटॉक वगैरह नहीं होता है, अपने से यूट्यूब ही होगा भाई। तो फाइनली आपके भाई ने ले लिया है ये डिजिटेक का एलईडी रिंग लाइट। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको दिखाते हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ बस ये नहीं कि एक ही ले लिया, ये है मेरे सामने मेरे फेस के लिए, ठीक है। ये आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा मेरे वीडियो में, लेकिन जो मेरे बैकग्राउंड के लिए जो मैंने लिया है वो है प्रिंस। ये देखिए, ये आया प्रिंस, हालांकि ये मैंने अभी अभी नहीं लिया, ये आया हुआ मेरे पास, मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो ये आया मेरे पास, हो गया 10-12 दिन हो गया होगा, लेकिन इसका मैंने वीडियो नहीं डाला, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बना लिया था। आप इसका बॉक्स भी देख सकते हैं, खोला हुआ है लेकिन अंदर में है। तो चलिए दोनों को दिखाता हूँ और किस यूज में आता है, कैसे इसका यूज कर रहा हूँ। ये जो लाइट है, ये लाइट मैंने एक यूट्यूब चैनल में देखा था, ठीक है, उनका एक सेटअप वीडियो देखा था, उसमें मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा, मैं वो चैनल का नाम लेना चाहूंगा। वो चैनल का नाम है किबा किबी, वो आसाम से बिलोंग करते हैं, तो उनका मैंने वीडियो देखा था, तो उसमें उन्होंने ये वाला यूज किया था, सोचा मैं भी यूज कर लूँ। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और इस सबका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं, साथ ही साथ कैसे इसको यूज करना चाहिए ये भी आपको दिखाते हैं। तो इसके बारे में चलिए मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, साथ ही साथ ये जो हमारे जो प्रिंस है ब्रिक लाइट, जो मेरा बैकग्राउंड में लगने वाला है, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और सबसे पहले ये मैंने कहाँ से लिया है वो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जो डिजिटेक का एलईडी रिंग लाइट कॉम्बो पैक विथ 5 फीट लाइट स्टैंड। इसका जो नाम है, मॉडल नंबर है, DRL 12C डुअल कलर टेम्परेचर, ठीक है, डुअल कलर टेम्परेचर।
तो यहाँ पे दो कलर है एक्स्ट्रा, नो शेडो एपर्चर, स्टीपलेस एडजस्टमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, 25 वॉट पावर आउटपुट, डुअल कलर टेम्परेचर 3200 के से लेके आपका हो जाता है 6500 के, और इल्यूमिनेशन है 2250 LM लक्स। बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, तो चलिए बिना टाइम पास करके, बिना वीडियो को ज़्यादा लंबा किए हुए, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें क्या क्या है आपको दिखाना है। पहले जी हाँ दोस्तों, ये लीजिए, सबसे पहले हमको मिला है ये बॉक्स। तो ये बॉक्स है, बॉक्स बॉक्स बॉक्स, ये बॉक्स में जरूर रिंग लाइट होगा, इसको सेट करते हैं। और हाँ, यहाँ पे भी कुछ है, देखिए, ओ यस, ये देखिए, ये फाइनली हमको मिल गया हमारा स्टैंड। तो हमारा स्टैंड देखते हैं कैसा है, ओ नाइस। इसमें भी डिजिटेक का लोगो लगा हुआ है, डिजिटेक DLS 005 FT का है। तो इसका बिल्ड क्वालिटी तो देखने में बहुत ही अच्छा है, आई होप सो आपको पता चल रहा होगा, इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसा है क्या नहीं है। देख रहे हैं आप, आपको वीडियो में नहीं दिखता होगा, काफ़ी लंबा है, देखिए आप यहाँ सब देख सकते हैं, आपके सामने से काफ़ी लंबा है ये, तो इसका बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। चलिए इसको अभी, इसको फिलहाल अभी साइड में रखते हैं और देखते हैं हमारे जो बॉक्स है इसमें क्या है। इसमें किया जाए इधर साइड पे, और अब लाया जाए ये बॉक्स। ठीक है, मेन चीज़ है ये बॉक्स के अंदर, हालांकि बॉक्स में कुछ लिखा हुआ तो है नहीं, इसमें तो बहुत सारा डिज़ाइन है, इसमें पूरा एकदम येलो कलर में अच्छा लिखा हुआ, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन मज़े तो आ रहे, देखते हैं इसमें ऑफकोर्स रिंग लाइट ही होगा, तो देखते हैं कैसा है क्या है। प्लास्टिक तो काफ़ी अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली ये है हमारा रिंग लाइट, ओ यस। तो इसके अंदर हमको क्या मिलता है, ये देखिए रिंग लाइट मिल गया है, और इसका वायर, हाँ इसका वायर है, हाँ ओके, ये USB, ओके ओके, ये USB टाइप का है, और इसको हम लोग चार्जर के अंदर भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में आगे बात करें, देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये है साथ साथ में इसका एक आर्सू भी है, साथ साथ में एक यूज़र मैनुअल भी है, तो आप इस यूज़र मैनुअल में देख सकते हैं। डिजिटेक LED रिंग लाइट DSLR, डिजिटेक LED रिंग लाइट DRL 12C, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल को फेंकना नहीं चाहिए, जब भी आप कोई भी सामान लाते हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो भी रहता है उसको हमेशा आप ध्यान से रखें और इसको पढ़ें, इसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे यूज़ करना नहीं करना, इसको पढ़ें। अक्सर बहुत सारे अनबॉक्सिंग में आपने देखा होगा कि जो भी यूज़र मैनुअल होता है उसको हम लोग उसको अनबॉक्सिंग किया निकाला सीधा फेंक देता है, ठीक है। तो उसको फेंकना नहीं है, इसको अच्छे से रखना है, इसको हम लोग देखेंगे इसके बारे में क्या यहाँ पे क्या क्या दिया है सब हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उसके साथ साथ हम लोग को मिला है ये क्या है, डू नॉट ईट थ्रो अवे, ये पता नहीं क्या है, इसके बारे में अगर आपको पता हो तो ज़रा बताइएगा, ठीक है। मुझे पता नहीं ये क्या है, इसमें लिखा हुआ है सिलिका जेल, अगर आप लोग को पता है कि ये क्या है तो थोड़ा बताइए, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारा ये जो रिंग लाइट है इसका हम लोग सेटअप करते हैं। और हाँ, इसका वायर ऐसे जो खुला हुआ है, इसीलिए खुला हुआ है क्योंकि जो शॉप है वो शॉप वाले ने हमको जो दिखाया था इसको कॉल पर कैसे यूज़ करना चाहिए, तो इसके बाद मैंने वैसे ही डाल दिया था। और ये हाँ, ये तो काफ़ी अच्छा है, इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, ये आराम से सब मूव हो सकता है सब तरफ से। पहले मेरे को लगता था ये बस ऐसे ही रहेगा, ठीक है, बस ऐसे ही रहेगा, तो हम खाली ऐसे स्ट्रेट मतलब मोबाइल रख के कर सकते हैं, फिर मुझे लगा कि नहीं ऐसे काम आएगा। हालांकि मुझे फ़ोन के लिए तो अलग स्टैंड है मेरे पास, जिसमें अभी आप देख रहे हैं, अभी मेरा फ़ोन स्टैंड में लगा हुआ है, तो ये भी काम में आएगा, बाकी मुझे रिंग लाइट तो चाहिए ही चाहिए। चलिए बिना देरी किए जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसा काम कर रहा है कैसे नहीं। लेकिन इससे पहले हम लोग जो मेरा दूसरा जो लाइट है उसका भी अनबॉक्सिंग कर रहे थे। ये आ गया हमारा पिंच, जी हाँ दोस्तों, ये आ गया हमारा प्रिंस। तो इसका भी अनबॉक्सिंग हम लोग कर देते हैं। ऑलरेडी मैं पहले से खोल चुका हूँ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया वीडियो में पहले ही कि 10 से 12 दिन हो चुका है, इसको मैंने खोल के ट्राई कर ही लिया है, फिर भी आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जय हो किब्बा की बिकी, यस, थैंक यू सो मच सर, मिस्टर किब्बा की सर, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने इतना अच्छा कंटेंट डाला, आपको देख के मैंने थोड़ा सा कॉपी कर लिया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, कॉपी करने के लिए माफ़ कीजिएगा। तो ये लाइट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसका जो वायर है अभी छोटा सा है, कटआउट
बहुत कुछ तो नहीं, छोटा सा है बस, ये है रिमोट। ठीक है, ये है इसका रिमोट। तो इसका रिमोट काफी अच्छा है, बहुत सारे कलर है, आप इसमें देख रहे हैं काफी सारे कलर है। चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका भी लाइट कैसा आ रहा है। और ये जो हमारा जो रिंग लाइट है, ये जो देख रहे हैं आप, खंबा इतना बड़ा है, हालांकि आपको दिखता नहीं होगा ये कितना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा है। तो ये देखिए, ये है यहाँ है स्टैंड, ठीक है, स्टैंड का ये है लोअर पार्ट, ठीक है, ये गया ऊपर, ये तकरीबन मेरे हाइट से भी लंबाई होगा, नहीं मेरे हाइट का तो नहीं होगा, देखते हैं खड़े होकर देखते हैं, चलिए कितना बड़ा होगा। मेरे हाइट तक तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ अगर इसका में लाइट लगा देंगे तो मेरे से पार हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मेरा हाइट का ऑलमोस्ट पास नहीं है, तो इससे अगर लाइट लगा देंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, मेरा हाइट के हिसाब से आ ही जाएगा, ठीक है। फिर तो ऐसे करके वीडियो बनाना है और क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बने रहिए और जल्दी से जल्दी हम लोग सेट करते हैं और इसका लाइट में मजा लेते हैं, क्योंकि उसका लाइट में देख रहे हैं आप शेडो आ रहा है, तो उसका लाइट को फिलहाल के लिए बंद कर देंगे। जब ये सेटअप रेडी हो जाएगा तो उसका लाइट नहीं जलेगा, थोड़ा अलग तरीके का कंटेंट बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए और जल्दी जल्दी इसको भी जलाते हैं, इसको भी लगाते हैं, इसका लाइट खुले। तीन स्विच है, एक पावर ऑन ऑफ का है, एक ब्राइटनेस कम करने का, ब्राइटनेस ज्यादा करने का, और ये है शायद कलर चेंज करने का। देखते हैं सबसे पहले हम कलर चेंज करने वाले हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ओह वाओ, काफी अच्छा लाइट है, लग रहा सारा जो गर्मी है सारा इधर ही से आ रहा है। चलिए इसका लाइट भी पहले चेक करते हैं कौन सा है। ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया डिम लाइट, ये हो गया थोड़ा ब्लूइश लाइट है, तो काफी अच्छा है, मस्त लाइट आ रहा है, वीडियो में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, ऐसे ही लाइट आपको अभी डेली डेली देखने को मिलेगा। और ये देखिए, अगर मैं इसका सामने अगर चेहरा रखूँ तो आपको दिख रहा हूँ, चेहरा रखता हूँ कैसे दिख रहा है, ठीक है, पहले वीडियो में कैसे दिखता है और कैसे दिख रहा है, चलिए मैं आपको इसको सामने से दिखाता हूँ कैसे दिखता है। तो अभी ये लाइट आ गया मेरा मुँह के ऊपर, ये देखिए, ठीक है, काफ़ी गर्मी है, थोड़ा पहुँच लेते हैं और आप लोग मेरे को देख पा रहे होंगे थोड़ा सा। जी हाँ दोस्तों, ये जो हो गया लाइट, ये देखिए अभी मेरा चेहरा ऐसे दिख रहा है, करूँगा ऐसा दिख रहा है, और एक ऐसा है। तो इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ये भी बताइए। तो इसमें से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है ये भी आप बताइए जरा कमेंट करके। और ये वाला लाइट, ये लाइट या ये फिर लाइट, ठीक है, इसका ब्राइटनेस में देखते हैं कौन सा सही रहेगा। ये तो डीप डाउन हो गया, थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा है, और बढ़ाते हैं तो अरे बाप रे बाप, क्या लाइट है, ओह अब वीडियो बनाने में मजा आएगा, थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का लगेगा, ठीक है। और ये लाइट अच्छा, ये भी अच्छा है, ये थोड़ा ठीक है चलेगा, ये किसी किसी टाइम में काम आएगा, ये अच्छा है, ये पूरा वाइट वाइट लाइट है, अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों इसका तो अनबॉक्सिंग आपने देख लिया है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लगाना है, क्या करना है, तो मैंने आपको दिखा दिया है। साथ साथ मेरा जो छोटा जो प्रिंस लाइट था इधर ही किधर ही है, हाँ चलिए इसके बारे में भी आपको दिखाता हूँ और कैसे है क्या है ये भी आपको बताता हूँ, कैसे ये काम करता है ये भी आपको बताऊँ, ठीक है। चलिए वीडियो बने रहिए, यहाँ पर आप रह जाइए, विराजमान हो जाइए आप इधर, यस आप विराजमान हो जाइए,
तो इसको करते हैं बंद। तो इसका जो लाइट है खासकर कि मेरा बैकग्राउंड में ही रहेगा तो इसको बैकग्राउंड में ही देखते हैं कैसा लाइट है। सवार थोड़ा बड़ा कर देंगे फिलहाल के लिए इसमें स्पार्क चलाते हैं। ऐसा जल रहा है ये तो इसका रिमोट जो था कहाँ गया, हर बार सर इसका रिमोट ही घूम जाता है। ये मिल गया रिमोट, तो देखिए इस तरह का लाइट है, तो ऐसे बहुत सारा ऑप्शन है। तो चलिए दिखाते हैं इसका भी लाइट कैसा है बैकग्राउंड के लिए। आप बताइए कमेंट करके कि इसका जो लाइट है बैकग्राउंड में कौन सा सही रहेगा। रेड है, थोड़ा ऑरेंज है, थोड़ा डीप ऑरेंज है, और थोड़ा है, और ये हो गया येलो। ग्रीन है, ग्रीन में बहुत सारा है, ये आ गया ब्लू। मेजरली तीन कलर है, रेड ग्रीन ब्लू, तो वैसे ही था आपके। और हाँ, ये भी एक मोड जिसमें अपने आप कलर चेंज होता रहता है, और थोड़ा सा वायर थोड़ा छोटा है तो उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। वायर थोड़ा सा जो है उसको लंबा करना पड़ेगा।